हाय शाज़िम। Hey, what a surprise! हाँ, मुझे पता चला कि तुम लोग यूनिवर्सिटी आए हो तो मैं भी आ गई। क्या बात है शाज़िम, तुमने तो मुड़ के पूछा ही नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। ऐसा क्या हो गया? अरे यार अमल, बेबी तुम मुझे गलत समझ रही हो। या बस डैड ने इंसिस्ट किया कि मैं यहीं रुक के उनका बिजनेस में हाथ बटाऊं, बिजनेस को समझूं जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता। एनीवेज तुम बताओ ना, कैसी हो और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? इज एवरीथिंग ओके? शाज़िम, तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम प्लीज इनकार मत करना। हाँ कहो। एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, पर आई प्रॉमिस इट्स जस्ट अ बोरो अमाउंट। जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन राइट नाउ आई कुड रियली यूज सम मनी, प्लीज हेल्प मी। अरे यार अमल, तुम मुझे किस प्रॉब्लम में डाल रही हो बेबी? तुम जानती तो मेरे पेरेंट्स को कितने कंट्रोलिंग है वो, और आजकल तो डैड ने अकाउंट भी ज्वाइन कर लिया मेरे साथ। आई कांट हेल्प यू बेबी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, मुझे लगा शायद तुम मेरी कुछ हेल्प कर सको। इट्स ओके। हाय अमन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। हे गाइस, कैफे चलते हैं ना? मनाहिल और बेला वहाँ वेट कर रही होंगी हमारा। ठीक है। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, उन दोनों से मैंने मिल लिया है, मुझे घर जाना है, मामा वेट कर रहे होंगे। लव, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चली जाऊंगी, थैंक्स। ओके बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। बेचारी परेशान है। कोई परेशान परेशान नहीं, इसके बाप ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, पुलिस से सारा पैसा छुपा के रखा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, बेगुनाह है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, सबूत है तुम्हारे पास रेहान? अरे यार, ये दो नंबर वाले लोग किसी तरीके से पैसा कमाते हैं, मक्कारी से। चलो हम कैफे चलते हैं। आप जैसी क्यों नहीं है, क्या हो रहा है हमारे साथ? आप हमें छोड़कर जल्दी क्यों चले गए? बेटा, ये आपके बाबा की कब्र है बेटा? जी, मैं बदनसीब इनकी बेटी, इनसे मिलने के लिए आई, बातें करने के लिए आई, लेकिन अंकल आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते। मैं रोती हूं तो इन्हें मेरे आंसू से फर्क भी नहीं पड़ता। बेटा, कभी कोई मरने वाला भी किसी को जवाब देता है? तुम्हारा ये रोना इनके किसी काम का नहीं है बेटा। बेटा दुआ करो। उनको हमसे दूर हुए इतना अरसा तो नहीं हुआ कल, फिर भी ये दुनिया वाले हमारे अपने सपने में बेरुखी दिखाना शुरू करती है। बेटा,
ये दुनिया ये तो तमाशा है बेटा, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा, मेरे मुंह पे मेरा बेटा, इस दुनिया का क्या करना। प्यारी बेटी हो तुम, यहां रोने के बजाय बेटा अपने बिखरे हुओं को संभालो। जाने वाला तो चला गया बेटा, ये वक्त भी बीत जाएगा इंशाल्लाह। काली रात के बाद इंशाल्लाह सुबह की रोशनी का इंतजार करूं बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। बेटा नायला कैसी है? बस वो प्रेगनेंसी की वजह से तबीयत और मूड कुछ अप एंड डाउन ही रहता है। सोनू, राफे और अमल नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? अमल यूनिवर्सिटी गई है, दोस्तों से उसे कुछ काम था, और राफे कमरे में है। ऐसे गुमसुम सा बैठा रहता है, उसकी उम्र का कोई इस घर में है नहीं ना। तुम ऐसा किया करो कि नोमी को अपने साथ ले आया करो, या फिर राफे को अपने साथ ले जाया करो, दिल बहल जाएगा उसका, खुश हो जाएगा। जिंदगी से तो जैसे कटके ही रह गया है वो। जी मैं कुछ करता हूँ। सदाकत, नायला बता रही थी तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। हाँ बीपी कुछ हाई हो गया था, ठीक हूँ मैं। अमल यहाँ आओ, देखो सदाकत मामू आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अब ये यहाँ क्या लेने आए, मतलब ही लो। मामा मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। सदाकत तुम चाय लो ना, ठंडी हो जाएगी। हाँ बेटा। लीजिए आपा। ट्रैफिक को चैंपियन जन रोटन पापा गिर जाऊंगा नहीं होता, नहीं गिरते, मैंने पकड़ा हुआ। शाबाश, गुड गुड, बैलेंस करो, मेरी तरफ देखो, बैलेंस करो, बैलेंस, गुड 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 गुड, छोड़ो। नहीं 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 गिर जाऊंगा, चलो चलो, शाबाश शाबाश, आराम आराम, या बैलेंस करो, बैलेंस करो, रेडी, गो गो गो, देखो कुछ चला रहे हो तुम, वेरी गुड, चला 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 चला। आप रो रहे हो, क्या हुआ है?
आपी, तुम्हारे पापा मैं क्यों छोड़कर चले गए? मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। काफी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप पापा के प्रेफ बड़ी बनकर मेरा और मम्मा का ख्याल रखोगे। आपको याद है ना? बस फिर रोना नहीं। You are a brave boy. Always remember that. कबाब जी आ गई। अमल बेटा सोनू नहीं आई अभी तक, कहाँ रह गई? वो फोन के सर में दर्द था तो वो सो गई। अच्छा, ये आज बगैर ग्रेवी के चिकन बनाई है? अब वो दरअसल आज मैंने ना राफे की पसंद की चिकन कढ़ाई बनाई है, बहुत दिनों से फरमाइश कर रहा था। अपनी चिकन कढ़ाई एंजॉय करो। और ये सदाकत क्यों आया था? मुझे नहीं मालूम अंकल, मैं उनसे मिली नहीं, शायद हरियत मालूम करने के लिए आए थे। वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी भाई साहब की मोहब्बत उजागर हो गई। अरे भाई खाओ। मैं और लेकर आती हूँ। रह गया ये लड़का, कितनी देर लगा दी। अल्लाह पाक खैर करना, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। क्यों टहल रही है? इस वक्त थक जाएंगी, बैठ जाए। देख नहीं रही कितनी देर होगी, अभी तक नहीं आया वो, पता नहीं कहाँ रह गया। अभी इतनी देर तो की नहीं उसने। कहाँ रह गए थे बेटा, इतनी देर लगा दी तुमने? सब खैरियत तो है ना? मोटरसाइकिल कहाँ है? उसकी आवाज क्यों नहीं आई? नहीं बस करते हैं ना, आते उस पर सवालात की बौछार कर दिया आपने। सांस तो लेने थे उसे 2 मिनट। अम्मी वो ट्यूशन लेते लेते लेट हो गया मैं। आप ही खाना लगाते, मुझे भूख लगी है, मैं हाथ मुंह धोकर आया। हाँ तुम हाथ मुंह धो के आओ, मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। बात सुनो। क्या बात है? सच सच बताओ क्या हुआ, और ये मोटरसाइकिल कहाँ है? अम्मी बाइक चोरी हो गई। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? मोटरसाइकिल चोरी होगी, मगर कैसे? अम्मी रोज यहाँ खड़ी करता हूँ, वहीं खड़ी की थी मैंने। ट्यूशन देकर वापस आया तो वहां नहीं थी, लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने रिपोर्ट कर पाई, मिल जाएगी। मैं हुआ तो कराया। बेड़ा गर्क को इन कमबख्तों का, हम गरीबों की ही मोटरसाइकिल उठानी थी। एक तो गरीबी, ऊपर से ये परेशानियां, एक जाती है एक आती है।
चले आपकी बारी, देखते हैं किसका ज्यादा ऊपर जाता है। रेडी। ओ चलो मामा। ओ अब मेरी बारी, दे दो। देखना कितने ऊपर जाएगा। मुझ गरीब के ऊपर भी तवज्जो दे दे, प्यास लग रही कोई पानी पिला दे। अरे पापा अभी आप खुद जाके पी लेना, मामा नहीं आ सकती अभी, गेम में बिजी है सारा। वाह मेरा बेटा तो बड़ा अकलमंद हो गया, वहां पे गया है। नायला खाना लगा दो यार, बहुत भूख लग रही है मुझे, पर दूसरे काम भी है वो करना है मुझे। अरे पापा आपने तो पूरे गेम की बैंड ही बजा दी। अच्छा खास ही चल रहा था, अगर इतनी भूख लग रही थी तो किचन से जाके खा लेते ना। नोमी बेटा पापा से ऐसे बात नहीं करते। हाँ पापा जो मर्जी करते रहे, जाएं आप भी, मुझे नहीं खेलना कोई गेम। और ये देखें पापा, ये वाला ड्रोन भी खराब हो गया, अब आपको नया लाना पड़ेगा। दिला दूंगा। तमीज सिखाओ इसे, बड़ों से बात करने की तमीज तो पहले ही नहीं थी, अब हमारे साथ भी शुरू हो गया। ये छोटा है अभी, उम्र ही क्या है उसकी, समझ जाएगा। ड्रोन टूट गया ना, अपसेट है। अपसेट होने का मतलब ये थोड़ी है कि हर किसी के साथ बदतमीजी करें। अपनी जबान में समझा दो इसे, वरना अगर मैंने अपनी जबान में समझाया ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अच्छा मैंने तो सुना है कि बेटे हमेशा बाप के नक्शे कदम पे चलते, हो सकता है आप भी ये सब करते हो। खाना लगा दो यार, बहुत भूख लग रही है। लगा रही हूँ, दो जखीनी भरती है इन लोगों की। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, आ जाओ आ जाओ, हो जाएगा। ऑफिस किससे बात कर रहे थे, कौन आ रहा है? अरे वही आ रहा है जिसके कमरे पे तुम्हारे रिश्तेदारों ने कब्जा किया हुआ है। तो सोनिया से कहो कि कमरा खाली कर ले जल्दी, राशिद एक दो दिन में आ जाएगा। हाँ मैंने बात कर ली है सोनो से, वो जीशान या फरहान में से किसी एक कमरे में शिफ्ट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। हमारा क्या मतलब है कि इनकी जिम्मेदारी अब मैं उठाता रहूंगा? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सोनू से बात हुई थी, वो कह रही है कि मैं सदाकत से बात करूंगी, सदाकत उसे अपने घर ले जाएगा। से कहो कि वो अपने भाई को बुलाए और ये मामला जो है ना फौरन हल करे। मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा इनका, और ना ही कोई यतीम खाना खोला हुआ है। Oh
अमल कैसी हो? तुमने ये पूछने के लिए फोन किया है? नहीं, एक्चुअली मुझे तुमसे मिलना है। मुझे किसी से नहीं मिलना। प्लीज लीव मी अलोन। अमल प्लीज मुझसे मिल लो, तुम्हारे फायदे की बात है। इट्स माय रिक्वेस्ट। अच्छा बताओ कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ लोकेशन। तुम्हारा फेवरेट कैफे, बस वहीं मिलते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बाय। थैंक यू। मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, बैठो। अमल थैंक्स, मेरे फोन करने पर तुम आ गई। एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम था। कैसा काम? वेल आई एम सॉरी, उस दिन जब यूनिवर्सिटी में तुम शाजिम से बात कर रही थी कि तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैंने वो बातें सुन ली थी। ये कुछ पैसे हैं। आई नो कि जितनी तुम्हारी जरूरत है उतने नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ परेशानी कम हो जाएगी, इसलिए प्लीज। नहीं रेहान, मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम खुद कितने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो। अमल, इस वक्त इन पैसों की तुम्हें जरूरत है। अपने इस गरीब दोस्त का मान ही रख लो। और मैं कब तुम्हें हमेशा के लिए दे रहा हूँ, जब भी कंफर्टेबल हो वापस कर देना। प्लीज रख लो। थैंक यू रेहान, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दोस्तों में एहसान नहीं है, एहसास होता है। सिर्फ बातें करोगे या मुझे कॉफी भी पिलाओगे? I'm sorry, एक मिनट। वेटर, प्लीज दो कॉफीज ले। थैंक यू। जी आपा? हाँ आओ बैठो। सुनो, सोनू वो राशिद ना वापस आ रहा है। तुम तो जानती हो ना कि वो अपने कमरे के अलावा कहीं नहीं रहता। तो मैं सोच रही थी कि जीशान का या फरहान का कमरा तुम्हें दे दूं, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वो दोनों तो मुल्क से बाहर हैं। जी जी आपा, हम तो किसी भी कमरे में चले जाएंगे। वैसे भी मैं सोच रही थी कि जैसी हालात बेहतर होते हैं हम कोई घर किराए पर ले लेंगे। कब तक आप पर यूं बोझ बने रहेंगे? मैं जानती हूं सोनू, तुमने अनवार की सारी बातें सुन ली थी और उन्होंने जो कुछ भी कहा ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन वो बस जरा जबान के तेज हैं, दिल के बुरे नहीं हैं। आपा मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ।
आपको तो पता है माँ बाप के बाद इश्फाक ने मुझे मलका की तरह रखा है, कभी ऐसे हालात ही नहीं देखे। इसलिए समझ ही नहीं आ रही कि क्या करूं, हर चीज से डर जाती हूँ। इश्फाक, आपको गए हुए लगता है मुद्दत गुजर गई। आपके बगैर जिंदगी का सफर ये कैसे कटेगा? मैं तो बहुत तनहा हो गई हूँ इश्फाक, क्या करूं मैं, किस तरह होगा ये सब कुछ? अनवार भाई, आपने बुलाया, खैरियत? हाँ, देखो बात यह है कि अब मैं मजीद तुम लोगों को यहां पर नहीं रख सकता, और मेरे ख्याल में बेहतर यह होगा कि यहां से जाने के बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे कुंबे को मैं अब मजीद अपने घर में नहीं रख सकता। महंगाई का दौर है, हर एक की अपनी जिंदगी है, अपनी जरूरियात है। आजकल इंसान खाता कम और सूंघता ज्यादा है, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से जाने का बंदोबस्त करो। कैसी बातें कर रहे हैं अनवार आप, जरा तो एहसास करें। अभी तुमने कहा था कि इसको यहाँ पर चंद दिन रहने दूं, मैंने रहने दिया, बात मान ली तुम्हारी। वैसे जिम्मेदारी तो यह इसके भाई की थी ना, मेरी तो नहीं थी। मेरे हालात बेहतर होते तो मैं इसे चंद दिन और यहाँ रहने देता, लेकिन कारोबार अभी शुरू किया है और मेरे पास कोई ऐसा सरमाया भी नहीं है। रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन आपको इन यतीमों के नसीब का भी तो मिलेगा ना। बात सुनो, किसी के नसीब से मुझे अपना रिस्क बढ़ाने का शौक नहीं है। ख्याल में तुम मेरी बात समझ रही होगी अच्छी तरह। सुनो सुनो, मैं बहुत मजबूर हूं, अनवार के सामने मेरी एक नहीं चलती, मैं तो तुम्हें चाहकर भी यहां नहीं रोक सकती, क्या करूं? आप फिक्र ना करें, आप, मैं सदाकत को फोन कर लूंगी, हम उसी के साथ चले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। सदाकत, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा चाहने वाला शोहर मिला, बहुत अच्छे हैं आप। अच्छा, चलो ये तो और भी अच्छा है। नमस्कार, तुम्हें ख्याल तो आया। तुम क्यों इतने खामोश हो, खा भी नहीं रहे हो, होमवर्क कर लिया? जी पापा, मैंने तो सारा होमवर्क कर लिया, और देख लिया, इस बार तो मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं हम लोग। जब ही तो मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ। पापा मुझे आप प्लीज कास्ट रिपोर्ट दिला देना, प्लीज मना मत कीजिएगा। अभी पिछले ही दिन जो तुम्हें वो पिछले दिनों की बात नहीं याद दिलाए ना, मेरे सारे दोस्तों के पास है। मैं जब अशफाक कुंगत से कुछ कहता था दिलाने को तो वो दिला देते थे, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा बस नोमी, सदाकत दिला देना, वैसे भी सारे टॉयज पुराने हो गए हैं इसके। अच्छा चलो ठीक है, शाम को मैं आऊंगा तो फिर चलते हैं तुम्हारा वो कास्ट कैस्टर वो जो भी है वो लेने के लिए, ठीक है? थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर जाओ जल्दी से जाके होमवर्क करो, फिर हम चलेंगे। मैं भी चलूंगी साथ। आपको कोई रोक सकता है? कपड़े ले लेने ना। चल। सोनो, अनवार की बात का बुरा नहीं मनाना, वो तो है ही ऐसे। अशफाक ने ना हमेशा मुझे चुप करा के अनवार का साथ दिया है, कभी कभी भी पैसे की ना कोई तंगी होने नहीं दी उसने, और आज अनवार उसी के बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अरे आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अनवार भाई की बातों का मुझे बुरा नहीं लगा, वो सदाकत के घर तो मुझे खुद ही जाना था। क्या है कि मेरे माँ बाप की खुशबू है वहां पर, उनकी यादों से बहुत ढारस मिलती है मुझे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम अपने भाई के यहाँ रहोगी। तुमने राफे का क्या सोचा है सोनू? वो स्कूल कब जाएगा? कुछ दिनों से सोच रही हूँ मैं। अमन की यूनिवर्सिटी के दाखिले भी शुरू हो गए हैं, ऐसा ना हो ना कि दोनों का साल जाया हो जाए। थैंक यू। वेलकम। उम्मी कहाँ है? तुम्हारी मोटरसाइकिल का सोग मना रही है। इतना समझाया उन्हें कि जाने वाली चीज थी, चली गई। इस बात को कितने दिन गुजर गए लेकिन फिर भी। अम्मी को तुम्हारा मीलों पैदल चलना नहीं पसंद, ना ही बसों में थकते काम। मैं बात करता हूँ अभी से। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपने खाना नहीं खाया? अरे मुझे नहीं खाना खाना, और मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, क्या होना है? मरने वाली नहीं मैं, मुसीबतों के पहाड़ भी टूट जाए ना, कुछ नहीं होता मुझे। अम्मी आप कैसी बातें करती हैं, अल्लाह ना करे ऐसा। तो कैसी बातें करूं बेटा, बताओ। मोटरसाइकिल चोरी हो गई और वो थाने वाले अभी तक चोर नहीं ढूंढ सके, इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया और उनसे चोर ही नहीं ढूंढा जा रहा है। आप फिक्र ना करें अम्मी, हो जाएगा सब ठीक। कैसे परेशान हूं बेटा, एक तुम्हारी ट्यूशन ही तो है जिसकी वजह से पूरा घर चलता है। सोचा था तिनका तिनका जमा करके इसका जहेज बना लूंगी, मगर अब तो वो भी आस गई, मोटरसाइकिल ही नहीं रही, अब कैसे जाओगे, क्या करोगे, कितनी मुश्किल होगी आने जाने में। आप तिनका तिनका जोड़ के ना मेरे जहेज पे मेहनत मत करें, मुझे नहीं करनी शादी, कहीं नहीं जा रही मैं। आप यह फिक्र ना करें, आपका जहेज तिनका तिनका करके नहीं बनेगा, मैं करवाऊंगा आपकी शादी शहजादियों की तरह, मेरा वादा है आपसे। बेटा कैसे करोगे शहजादियों की तरह शादी, कहाँ से आएगा इतना पैसा, और कौन सा तुम्हारा बाप यहाँ खजाने छोड़ गया? सब हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ सब हो जाएगा। अब चले खाना खा ले, आपको पता है आपके बगैर मैं खाना नहीं खाता। पता है मुझे अच्छी तरह से,
आज भी छोटा सा बच्चा है मेरा, माँ के हाथ के नवाले खाता है। चल बेटा खाना लगा दे। बड़ी मुसीबत है भाई इन लोगों को। हेलो, कैसी हो तुम नायला? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत खुश और बहुत मजे में। तुम बताओ सब खैरियत है? सदाकत को बार बार कॉल कर रही हो। वैसे ही दिल चाह रहा था उससे बात करने को। कहाँ है सदाकत? वो घर से बाहर गए, उनका कोई दोस्त आया तो उससे बात कर। आते हैं तो बता दूंगी, कॉल बैक कर लेंगे तुम्हें, ठीक है? अच्छा ठीक है। नोमी कैसा है? नोमी भी ठीक है, मजे में ठीक है।